मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल स्टार्ट होते ही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाएगा वाइवा में। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं वाइवा सीरीज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट वाइवा क्वेश्चन सीरीज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट। आंसर इज एमएस पावर पॉइंट इज पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है एमएस पावर पॉइंट। इट इज़ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस सूट का ये पार्ट है। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एंड इट इज़ ईजी टू यूज़। और ये यूज़ करने में बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is latest version of MS PowerPoint? MS PowerPoint का latest version कौन सा है? Answer is MS PowerPoint 2021. Next question is, which shortcut key is to insert new slide? PowerPoint में new slide insert करने के लिए कौन सी shortcut key हम use करते हैं? Answer is Control M. Next question is, what is function key to run slide show from beginning? अगर हम सपोज फोर्थ या फिफ्थ स्लाइड पर काम कर रहे हैं और हमने बिगनिंग से स्लाइड शो करना है तो कौन सी फंक्शन की हम यूज़ करते हैं? आंसर इज F5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन की टू रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। हम जिस भी स्लाइड पर काम कर रहे हैं हमने वहीं से स्लाइड शो करना है तो इसके लिए कौन सी फंक्शन की हम यूज़ करते हैं? आंसर इज शिफ्ट F5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू इज यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। स्पीकर कमेंट्स को एंटर करने के लिए हम कौन सा व्यू यूज करते हैं? आंसर इज नोट्स पेज व्यू। जब भी एक स्पीकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट या की मैसेजेस को लिख देता है स्पीकर नोट्स में ताकि उसे याद रहे व्हाट टू से व्हेन प्रेजेंट द स्लाइड। तो इसको हम देख सकते हैं नोट्स पेज व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट व्यूज आर अवेलेबल इन एमएस पावर पॉइंट। आंसर इज नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड नोट्स पेज व्यू। नॉर्मल व्यू ये एक मेन एडिटिंग व्यू होता है जिसमें एक प्रेजेंटेशन को लिखा और डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू के अंदर एक प्रेजेंटेशन ईजी टू रीड हो जाती है, स्लाइड्स को इजीली हम रीड कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें सारी स्लाइड्स को हम देख सकते हैं थंबनेल फॉर्म में और स्लाइड्स को ड्रैग करके मूव भी किया जा सकता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। नोट्स पेज व्यू, इसमें नोट्स को क्रिएट और देखने के लिए यूज़ करता है एक प्रेजेंटर और प्रेजेंटर नोट्स के लिए इसमें टेक्स्ट एरिया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी एड डॉट वेव फाइल्स टू अ प्रेजेंटेशन। डॉट WAV फाइल्स ये ऑडियो फाइल्स होती हैं और क्या ऑडियो फाइल्स प्रेजेंटेशन में ऐड की जा सकती हैं? आंसर इज यस, हाँ की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड। स्लाइड के एलिमेंट्स का नेम बताओ। आंसर इज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स और चार्ट्स, ये सारे स्लाइड्स के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द शॉर्टकट की विच इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। वो शॉर्टकट की बताइए जिससे कि आप एक स्लाइड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकें। तो आंसर है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से हम टेक्स्ट को जो है सेंटर अलाइन कर सकते हैं एक स्लाइड में। स्टूडेंट्स, हमने एमएस वर्ड के साथ साथ एमएस पावर पॉइंट के साथ साथ एमएस वर्ड, एक्सेल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, C++, इनकी वाइवा सीरीज भी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है अदर वाइवा सीरीज को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर इज डॉट PPTX।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लाइड शो इन एमएस पावरपॉइंट। एमएस पावरपॉइंट में स्लाइड शो क्या है। स्लाइड शो इज पैटर्न टू शो ऑल स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। स्लाइड शो से हम सारी स्लाइड्स हमारे प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स को सिक्वेंशियल मैनर में शो करते हैं वन बाय वन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स को हम ऐड कर सकते हैं। आंसर इज एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स। हम जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स को एंटर कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में जूम की मैक्सिमम परसेंटेज क्या होती है। आंसर इज 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सी होती है। आंसर इज टाइटल स्लाइड। जैसे ही पावर पॉइंट में हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो टाइटल स्लाइड लेआउट जो कि डिफॉल्ट लेआउट होता है वही जो है ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी मेक अ पीडीएफ ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्या पीडीएफ फाइल बन सकती है। यस, बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शॉर्टकट की टू जंप ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर हमने प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर जंप करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। आंसर इज कंट्रोल एंड। कंट्रोल के साथ एंड की हम प्रेस करेंगे तो हम प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन द स्लाइड। एक स्लाइड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। आंसर इज कंट्रोल के। कंट्रोल के यूज करते हैं स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड्स एट वंस इन एमएस पावरपॉइंट। एमएस पावरपॉइंट के अंदर सारी की सारी स्लाइड्स को जब हमने एक बार में ही देखना है तो इसके लिए कौन सा व्यू यूज होता है। आंसर इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें सारी की सारी स्लाइड्स थंबनेल फॉर्म में हमें दिख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन टू अ वीडियो। क्या एक पॉसिबल है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकें। यस, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू इंसर्ट अ इमेज डैट विल अपीयर इन द सेम पोजिशन ऑन ऑल द स्लाइड। आप एक इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे जो सारी की सारी स्लाइड में सेम पोजिशन पर दिखे। जैसे कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है, जैसे किसी कंपनी का कोई लोगो है या कोई और सिंबल जिसको हमने सारी की सारी स्लाइड्स में सेम पोजीशन पे दिखाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। आंसर इज इंसर्ट इमेज ऑन स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पर हमने इमेज इंसर्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाइवा क्वेश्चंस ऑफ एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको इस वाइवा सीरीज में किसी भी क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वाइवा सीरीज भी चाहिए तो वो भी मुझे बता दें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।